हेलो विवर, नमस्कार। आज मैं आपको अरबी के पत्तों की एक डिश बताऊंगी जिसे हम नाश्ते में खा सकते हैं। देखेंगे किस तरह से बनाते हैं, जिसे पतौड़ भी बोलते हैं। देखिए, इसके लिए अरबी के पत्ते चाहिए और हमें नमक चाहिए स्वाद अनुसार। मैंने सादा नमक भी लिया है और काला नमक भी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और हल्दी ली है 1/4 चम्मच और हींग ली है, जिसे हमें घोल में भी चाहिए और छोंकने में भी चाहिए। और मिर्ची लाल मिर्ची पाउडर लिया है, जो हमें दोनों में चाहिए। और ये अजवाइन ली है और सौंफ ली है 1/2 चम्मच और बेसन लिया है। अब हम देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। ये अरबी के पत्तों को अच्छी तरीके से धो लें और इसको बीच में से, जिसे मैंने धो लिया है अच्छे से, और इसको बीच में से काट लेंगे। फिर बीच में से हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ये जो मोटी सी डंडी है, इसको भी हम निकाल देंगे, ताकि हम जब रोल करें तो ये रोल को तोड़ेगा नहीं, वरना हमारे रोल टूट जाएंगे। बीच में से इस तरह से निकाल इस तरह से कर दें पत्तों को। अब हम इसका घोल तैयार कर लेंगे पत्तों में लपेटने के लिए। थोड़ा सादा नमक डालेंगे इसमें, हल्का सा स्वाद अनुसार, और थोड़ा काला नमक डालेंगे इसमें, जिससे टेस्ट भी अच्छा आता है और फायदा भी करता है। ये हींग डालेंगे, हल्दी डाल देंगे, अजवाइन, और लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे स्वाद अनुसार, और गरम मसाला थोड़ा। थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला भी डाल देंगे। धनिया, हरा धनिया डाल लेंगे। आप चाहें तो बारीक कटी हरी मिर्ची भी डाल सकती हैं इसमें। और हम इसमें घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, घोल ज्यादा ना गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो, पत्तों में अच्छी तरह से लिपट जाए, ऐसा घोल बनाएंगे। घोल तैयार हो गया है। अब हम इसमें इसको लगा देंगे अच्छे से। इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे। तीन तीन पत्तों के हम इसका देखिए, तीसरा पत्ता तीन तीन पत्तों पे लगाएंगे, ताकि हमारा रोल जो है वो मोटा बने
और उल्टी तरफ से लगाएंगे, ये उल्टा पत्ते की तरफ से लगाएंगे। रोल को इस तरह करते जाएं। हम इसमें रख देंगे और स्टीमर को हम हल्की आंच पे चढ़ा देंगे। जब तक हम अपने रोल तैयार करते हैं तब तक स्टीम भी तैयार हो जाएगी। आप स्टीमर ना हो तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, छलनी रख के उसके ऊपर। देखिए रोल तैयार हो गए, अब हम स्टीमर भी हमारा स्टीम बन गई है तो अब हम उसमें ये लीजिए स्टीमर में रख दें और तेज आंच कर दें। पांच मिनट बाद फिर सिम कर दें आंच को, फिर हम दो तीन मिनट अच्छे से पका लेंगे इसको। कर सकते हैं इस तरह से, इसमें चिपके नहीं तो समझ हो गया चिपक नहीं रहा है। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे ठंडा होने के बाद। ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको काटेंगे निकालेंगे, ठंडा होने के बाद ही निकालें नहीं तो ये चिपका रह जाएगा इसमें। देखिए शैलो फ्राई करने के लिए हमको मसाले चाहिए, नमक हमने उसमें भी डाला है वो ध्यान रखें, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये हमने 1.5 चम्मच के लगभग पिसा धनिया लिया हुआ है, इसमें नमक थोड़ा सा ही डालेंगे हम। ये सब मसाले तैयार कर लें और मिर्ची भी डाली हुई है इसलिए कम ही डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकती हैं मिर्ची भी। और ये चाट मसाला लिया है, चाट मसाला भी डाल देंगे। और ये जीरा लिया है और हींग ली है मैंने। अब बन गए हैं, अब हम इसको काट लेंगे। बड़े बड़े पीसों में काट लें, देखिए तेल गरम हो गया है, तेल डाल लें थोड़ा और हम इसमें जीरा हींग डाल देंगे। और गैस सिम कर देंगे आंच को और ये मसाला डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसको टमाटर सॉस से खाएं, चटनी से खाएं, स्नैक की तरह यूज करें, रोटी से भी खाएं, पराठे से खाएं। अच्छी तरह से भून लें, ये लीजिए तैयार है, अच्छी तरह से बना लें इसको। अब हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। ये लीजिए अरबी के पत्तों के पतोड़ तैयार हो गए हैं, खाइए खिलाइए और मौज मनाइए। चाहे हरी चटनी से खाइए, चाहे इमली की चटनी टमाटर सॉस से खाइए।